बाबर आजम मेरे छतरे पे बैठे आगे। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो आप लोग? ये तो दुनिया की हर वो टीम ढूंढते हैं जो इनकी मारते पकड़ के। अबे लांतियो सुपर ओवर में ये किधर है झटकल सारे ऐसी की तैसी। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम नहीं है, ये हिजड़ों की टीम है, ये बगैरतों की टीम है। ये हमारी टीम का हाल है, इनको चाहिए, इनको केनिया से खिलाएं, इनको युगांडा से खिलाएं, उनसे भी हार जाएंगे ये। वो पहली दफा पाकिस्तान से खेल रहे हैं, सो घबराना तो उनको चाहिए था, मगर गलतियों पे गलतियां पाकिस्तान करता है। इतनी शर्मनाक शिकस्त, इतनी इबरतनाक शिकस्त और इतनी बेगैरती वाली शिकस्त आज तक पाकिस्तान को किसी इंटरनेशनल मुकाबले में नहीं हुई। शाहीन अफरीदी इगल सुपरस्टार, मरुच छनकने का सुपरस्टार है। समझ में आया छोटी टीम कैसे घुसाती है छोटी टीम। गजब बेइज्जती भाई। आपको हिस्ट्री में ये याद रहेगा कि यूएस ने हमें कैसे मैच हराए, दो एक दिन में, एक भी नहीं। उन्होंने बताया कि वो सुपर पावर है। ये कौन सा खोता कप्तान बनाया हुआ है आपने? कोई से पाकिस्तान आजम, अबे ये लांती है, इसका नाम रखो लांती आजम। बाबर आजम की कप्तानी में क्या ऐसा कोई खास काम पाकिस्तान ने किया है? कौन सा कोई बड़ा मैच ये जीते हैं? एक मैच जो इंडिया को हरा दिया था वर्ल्ड कप में, उसी की बेस पे काम चलता जा रहा है। लानत देता हूँ जवानों में जिन्होंने एक घंटे के छपे राज्यों को पाकिस्तान के सर पर लात कर रखा, कट कमीशन की बैग लेके रखा। अबे लानत है तुम लोगों पे, अब भी इनको बाप बना के चूस पर लटक लो। इनका डब्बा बंद कर दिया उन्होंने आज। उन्होंने आपको यह बताया कि आप जैसी टीमें हम अपने एल पे रखते हैं। ना बॉलिंग ना बैटिंग, बुरा हाल। और लोग कहते हैं यार खैर है, हार जीत तो होती रहती है। हार जीत अब इंडिया से हारोगे तो हमें समझ है कि हार जीत होती रहती है। ये तो गेम पॉकेट में होना चाहिए था पाकिस्तान की, कंडीशंस बहुत अच्छी थी। सुपर ओवर में यार आप लोग जीत सकते थे सुपर ओवर में, लेकिन मेरे घंटे की कप्तानी फिर एक्सपोज हो गई है। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप 2024 की सीरीज चालू हो गई है और कल पाकिस्तान ने अपना पहला मैच यूएसए के साथ खेला। पहले ही मैच में यूएसए ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट गंवाकर 159 रन का टारगेट यूएसए को दिया और यूएसए ने 18 ओवर में 159 रन बनाकर मैच को टाई कर दिया। फिर यूएसए ने सुपर ओवर में 18 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया, पर इस टारगेट को पाकिस्तान नहीं हासिल कर पाई और यूएसए ने 5 रन से मैच को जीत लिया और पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई। और इस हार के बाद पाकिस्तान में भूचाल मच गया और इस हार के बाद पाक मीडिया ने कैप्टन बाबर आजम और पूरी टीम को कायदे से धोया। अबे भाई ये बता दे कि तूने सुपर ओवर नसीम को क्यों नहीं दिया? तू तो कहता है बुमराह की जगह मैं नसीम को सुपर ओवर दूंगा और मैं और रिजवान पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और आज उन लोगों से बल्कि उन काबिले एहतराम का पहले नाम ले लूं जिनसे पर्सनल ताल्लुकात है। कोई इसे पाकिस्तान आजम, अबे ये लांती है, इसका नाम रखो लांती आजम। जो जो इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप को लेके चूस रहा था, चाट रहा था, लटका हुआ था, नाम ले लेके मैंने तो बर्बाद कर दी इन्होंने। चीखते रहे हम लोग, चीखते रहे वो लोग इस रिजवर की साजिश में पूरे मुलव्वस है। कमीशन किकबैक, झूठ नहीं बोलता मैं, अगर मैं झूठ जवाब से बोल रहा होता तो आज ये औकात नहीं होती हमारी कि अमेरिका में गए मेहमान बन के मेहमानों ने कपड़े फाड़ दिए, अंडरवेयर उतारी, पूरे बल्ले डाल दिए इनके, बचा क्या। मोनांग पटेल ने 34 गेंदों पर 50 किया और बाबर आजम ने 44 पे 43 किया। मैं कहता हूँ डूब के मर जा, दफा हो जा मेरे बोल से। इज्जत की जिंदगी ले लेता, 4 बॉलों पे 1 रन बना के बाहर हो जाता, तूने जिल्लत की जिंदगी ली। हमने पाकिस्तान के नाम पे धंधे चलाए, ये औकात कर दी तुमने पाकिस्तान कर दी। क्या इंडिया से खेलोगे? बाबर आजम को कप्तान लाने वाले ने भी सोचा होगा कि किस लांती को मैंने कप्तान बना दिया, क्योंकि सुनने में आया कि वो भी आज बैठे हुए मैच देख रहे थे, तो उन्होंने भी फैसला किया होगा कि मेरे लाए हुए दोनों हथियार नाकाम हो गए। एक वही एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर फारिग हो गया और एक प्रैक्टिकली क्रिकेट में इंडिया से प्रूव हुआ बाबर आजम, प्रैक्टिकली प्रूवन फेलियर है बाबर आजम। ये पौका ना चल पाया है ना चलेगा। हाँ ये कि बिस्तर गरम करने के लिए ठीक है यार, बस जो केएल राहुल को छोड़ के आ गए, बहुत बड़ा प्लेयर है केएल राहुल स्टिल, जो केएल राहुल को छोड़ के आ गए, जो गिल को 15 में नहीं रख रहे, जो यंग सेंसेशन रिंकू को नहीं रख रहे, इसका मतलब उनके पास रिसोर्सेज और भी है। वो अपने मुल्क की बेहतरीन टीम बना के लाए अंदर दिस कंडीशन, तुम कहते हो तुम्हारा उनसे मुकाबला आएगा? अबे इन्होंने भी बड़े बड़े मुंह में लिए हैं, इनके मुंह में लिए बाबर रिजवान। रिजवान को तो इन्होंने क्या बताया था, मुझे आज तक आवाजें हैं मेरे कान में इनकी गूंजती
और मैं हंसता था कि यार मैं बचपन से इन लोगों को सुनता था, यकीनन बड़ी उम्र है, हमें शौक होता था टेक्निकल बातों का, ये रिजवान पे एनालिसिस करते हुए इनकी टेक्निकलिटी कहां चली जाती है, कौन सा कट क्या देता है रिजवान इनको, अबे साला हर बॉल लेग स्पिनर में खेलने के चक्कर में आज कैसा उसने निकाला है, उसे पता ही कुछ नहीं चलता, अगर उसे क्रॉस बॉल निकाल दो झटियल गए बच्चे को, पाकिस्तान की क्रिकेट को यह खा गया नेक का बच्चा बन बन के। अबे तुम और मैं कितने नेक है जो ऊपर वाला जाने, ये अल्लाह और बंदे का मामला है, तू प्रोफेशनल क्रिकेटर है, तू ग्राउंड में सिर्फ क्रिकेट खेल के दिखा, ना बॉलिंग ना बैटिंग, बुरा हाल। और लोग कहते हैं यार हार जीत तो होती रहती है, हार जीत अब इंडिया से हारोगे तो हमें समझ है कि हार जीत होती रहती है, वो तगड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड से कोई आगे जाओगे कोई हारोगे तो हमें समझ आगे भाई ठीक है वो अच्छी टीम है हार गए। तुम तो अभी मीरो सिंह का पहला वर्ल्ड कप है, उसकी टीम में तो ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी कंट्री से रिजेक्टेड प्लेयर है, कोई कहां पे कोई कहां पे कोई और काम कर रहा है, साथ में पार्ट टाइम क्रिकेट खेल रहा है, करते कराते उन्होंने अपनी टीम इकट्ठी की है और ये बस केक काटने में लगे होते हैं, 3000 रन हो गए हमारे केक काटो, 4000 रन हो गए केक काटो, टीम का सत्यानाश हो गया और ये बस केक काटने में लगे हुए, एक एक ना कोई बॉलिंग है ना बैटिंग है। बाबर आजम की कप्तानी और बैटिंग दोनों में उसने बता दिया कि जी आप बेशक पाकिस्तान में कोई आपको किंग समझता होगा, दुनिया में तो नहीं समझते, उसी पिच पे जिस पे आपके बाबर आजम साहब 24 गेंदों पे 10 रन कर रहे थे, उसके कप्तान ने उनके कप्तान ने इतनी अच्छी सेंसिबल बॉली खेली, मजे मजे से रन को आगे लेके गया, फील्ड इन्होंने वैसी थोड़ी खोली हुई थी, थोड़ा मिनिमम रिस्क लेने के बावजूद भी वो रिक्वायर्ड रन रेट को पूरा कर रहे थे, उसने बैटिंग इससे अच्छी की है, उसने कप्तानी भी इससे अच्छी की है, उसने अपने बॉलर्स का भी इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है। वो विराट कोहली तो खेल रहा है 2008-09 से, रोहित शर्मा 2007 के वर्ल्ड कप में खेला, बाबर आजम के पहले 4000 रन हो गए हैं उसके अभी जाके हुए, क्यों? बिकॉज दे प्ले सिलेक्टिव क्रिकेट, ये हर मैच में उतरे होते हैं हर मैच में और अपने और ये नहीं बताते ये 3000-4000 रन किए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट में ये दोनों ही जिन प्लेयर्स ने भी 3000 या 4000 रन किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, सबसे हल्का स्ट्राइक रेट इनका। आज इनमें दम था तो क्यों नहीं आए दोनों पावर, बॉलिंग ठीक है, ये सुपर ओवर में क्यों नहीं आए दोनों बैटिंग करने, 4-5 रन होते तो आ जाते दोनों, हाँ इनमें दम हीरो बने, 18 रन देख के वहीं पे डगआउट में बैठे थे, हम तालियां मारेंगे आप जाके। 12-13 साल की उम्र से तो मैं बाकायदा क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं, इतनी शर्मनाक शिकस्त, इतनी इबरतनाक शिकस्त और इतनी बेगैरती वाली शिकस्त आज तक पाकिस्तान को किसी इंटरनेशनल मुकाबले में नहीं हुई। कौन कप्तान है जहां पे दो स्लिप फील्डर्स की जरूरत है वहां पे एक का स्लिप फील्डर खड़ा किया हुआ है, ठीक है, जहां पे एक की जरूरत होती है वहां पे कोई नहीं होता, वहां पे फील्ड फैला देता है कि जनाब पता नहीं कितने रन बना दिए जो इसको टेंशन ही नहीं है, अरे भाई विकेट्स लेनी है हमारे कप्तान को, हमारे शहजादे को बब्जी द किंग, किंग कर लेगा किंग, अरे भाई मैं वो लफ्ज नहीं कहूंगा, सबको पता है जिसकी वजह से वो मशहूर है, बॉब्जी द किंग कर लेगा जी, बॉब्जी द किंग कर लेगा, ये क्रिकेट की इंतहा की निचाई के ऊपर है। ब्लैक डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, रेस्ट इन पीस पाकिस्तान क्रिकेट। आप जीतना चाहते हैं इंडिया से, हम इंडिया के साथ 9 जून को बड़ा मैच, अरे भाई कौन सा वन साइडेड मैच होने जा रहा है, मार मार के आप क्या धंबड़ धूस निकाल देंगे उनके बाद। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि भारत में लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू के नेता नीतीश कुमार चर्चा में हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका में भी नीतीश कुमार ने भी अपने प्रदर्शन से T20 वर्ल्ड कप में अपना डंका बजा दिया है। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और 159 रन का स्कोर खड़ा किया, वहीं रन चेज करते हुए यूएसए की टीम भी 159 रन का स्कोर बना सकी। टीम की ओर से कैप्टन मोनांक पटेल ने सर्वाधिक 50 रन बनाए और वहीं एंड्रियम गौस ने 35 रन बनाए, वहीं ऑरेंज जोन्स 36 नाबाद, नीतीश कुमार 14 नाबाद अंत तक टिके रहे। अमेरिका की T20 टीम में खेल रहे नीतीश कुमार ने भले ही 14 गेंदों पर 14 रन, 1 चौके और 100 के स्ट्राइक रेस से बनाए, पर उनकी पारी बेहद अहम रही क्योंकि नीतीश ने ही मैच में हॉरिस राउफ की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर अमेरिकी टीम को बराबरी करवाई। अगर नीतीश ने चौका नहीं जड़ा होता तो पाकिस्तान टीम इस मैच को जीत जाती। तो यार यूएसए की इस बड़ी जीत पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।